चक्रवाती तूफान फानी ओडिशा के समुद्र तट से टकरा गया है। तूफान की वजह से पूरी भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई जगहों पर तूफान की वजह से जमीन खिसक गई है। तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय शहरों पर भी होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा जा रहा है। इसकी चपेट में राज्य के गंजम, गजपति, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर समेत कई दूसरे जिले आए। फोनी चक्रवात से उड़ीसा के तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम इस वक्त जो भुवनेश्वर से उड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है, पुरी की तरफ जो रास्ता जाता है, उसके उस रास्ते पर मौजूद हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो धराशायी हो गए हैं, वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गए हैं। फोनी तूफान का जो मैक्सिमम प्रेशर था जिस वक्त वो था, तो 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही थी और ये पूरा का पूरा जो कच्चा स्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो गया है। गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर गिर गया है, तो काफ़ी नुकसान हुआ आप लोगों का? वो तो उसका अंदर 2-3 लाख से ज़्यादा सामान था उसमें, और सब जो और लाइट वगैरह जो जा था वो जिसे पवन ज़्यादा हुआ वो तो छोड़ के चला गया वो दूसरे मकान पे, लेकिन वो सब टूट गया। लेकिन क्या कोशिश नहीं की कि वो सामान पहले शिफ्ट कर ले, क्योंकि प्रशासन थोड़ा कुछ सामान तो पहले शिफ्ट किया, लेकिन और जो बहुत सामान था ना, इसलिए तो सब सामान शिफ्ट नहीं किया। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ का भी नुकसान हो गया और आप लोग हटाना भी शुरू कर रहे हैं, तो क्या रास्ता साफ करने की कोशिश है? रोज रास्ता साफ नहीं करेंगे तो फिर लोग जाना जो आदमी जाएंगे तकलीफ होगा, इसलिए तो थोड़ा हमारा गांव का युवक है वो तो थोड़ा साफ करते हैं। तो ये हम आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ के लोग किस तरीके से पहले से इस तूफान के लिए पूरी तरह से तैयार थे। प्रशासन ने पहले से अलर्ट किया था और इसीलिए जैसे ही तूफान की गति थोड़ी सी कम हुई है, ये तमाम लोग देखिए सड़क पर आ गए हैं और पेड़ों को किस तरीके से, जो पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए थे, वो स्थानीय लोग उनको यहाँ पर हटा करके मदद कर रहे हैं कि इनको अगर ये रास्ता खुल जाए कम से कम, और राहत का कार्य जो तटीय इलाकों तक पहुँचना है राहत कार्य के लिए NDRF की टीम्स को, उनको कम से कम वहाँ पहुँचने में आसानी रहे। ये गाँव के लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं मदद कर रहे हैं? गाँव के लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो लोग आदमी थोड़ा वो अच्छा आदमी है ना, इसलिए तो कर रहे हैं। थोड़ा साफ प्रशासन आएगा तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो आदमी जाएंगे थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए तो आपने वो खुद वो आके लोग बुला के वो गांव में थोड़ा उसको साफ करना है थोड़ा जाने के लिए। तो ये उड़ीसा के लोगों का हौसला कि किस तरीके से न सिर्फ फोनी तूफान का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि जैसे ही तूफान की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, उसी वक्त तमाम गाँव के लोग आकर के अपने पास का जो हाईवे है उस पर जो तमाम पेड़ गिरे हुए थे, ब्लॉक हो गया था, उसको खोलने के लिए प्रयासरत हैं, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आवाजाही है, जो NDRF की टीम है, जो राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से, वो सुचारू तरीके से हो सके और बाकी लोगों तक जो नुकसान हुआ है, जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है, उन तक मदद पहुँचाई जा सके। कैमरामैन विमल के साथ अनुराग ढांडा, News18 India, पुरी। साथ SN प्रधान जी हैं, DG NDRF है, और लगातार 2-3 दिन से इस पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जा रही है NDRF द्वारा। हम इनसे बात कर रहे हैं, सर अभी फिलहाल स्टेटस क्या है अफेक्टेड एरियाज में, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स भी वहां से बता रहे थे, अभी क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विंड स्पीड्स और जो लैंडिंग पॉइंट और जो टाइमिंग बताई गई थी IMD के द्वारा, उसी टाइमिंग के अनुसार और उसी विंड स्पीड के अनुसार सिचुएशन अनफोल्ड किया है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि 180-175 के आसपास विंड स्पीड होगी और यूपी पुरी के पास लैंडिंग होगी। पुरी के पास जो लैंडिंग होनी थी वो समय पर हुई है, और उसके हिसाब से जो सबसे अच्छी बात रही है, उस समय रहते जो पूर्वानुमान दिया गया था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा, उसके चलते हम लोगों ने पुरी प्लेसमेंट पहले ही कर ली थी। और हमारे 28 टीमें NDRF की पूरे कोस्ट लाइन के अलॉन्ग कोस्ट लाइन लगी हुई हैं उड़ीसा में। जहाँ तक बंगाल की बात है, वहाँ पर भी 18 टीमें हैं, जिसमें से 6 को प्री पोजिशनिंग किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के समन्वय से। और उसी तरह आंध्र प्रदेश के कोस्ट लाइन में भी 12 टीमें हैं और 6 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया। तो महत्वपूर्ण सवाल है मेरे आपसे, पहला ये 4 घंटे का वक्त कब से कब तक का होगा, और उस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या एहतियात बरतें लोग? देखिए, सबसे पहली बात है कि 4 घंटा स्टॉर्म सर्च का 4 घंटा बहुत समय माना जाता है, आधा घंटा भी बहुत होता है, इसलिए निश्चित रूप से 4 घंटा चिंता का विषय है। लेकिन जो इवैक्यूएशन का काम किया गया है और समय रहते जो एहतियात बरते गए हैं, वो मेरे विचार से वो हमारे लिए एक
सुखद बात है, लेकिन चार घंटा को संभालना भी होगा और इसलिए तो तीन तो तैनात हैं। लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर लोग खुद ब खुद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें और कुछ एहतियात बरतें तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हम लोग तो उनके लिए ही हैं, लेकिन हमारा काम तब आसान होगा जब ये एहतियात बरतें।